किसान की जून बुरी ये एवें ही नहीं कहा जाता। जो किसान नू कई महीनों की मेहनत तो बाद कुदरत की मार पै जाए, इस मार तो राहत देने दे लई ते फसलां दे सही भा दे लई सरकारां भी गल ना सुनन ते उत्तों करजे की मार होवे ये तां कहा जाता है। पंजाब दा किसान अपनियां मंगां दे लई मुख्यमंत्री दे दफ्तर बार कई दिनों तो धरने के उत्ते बैठा होया ते हरियाणा दा किसान चंडीगढ़ वल कूच करन की तैयारी कर रहा है। आखिरकार क्यों किसानां नू अजिहा करना पै रहा है, तुहानू एक रिपोर्ट दे राही जिहड़ा उह समझावांगे। संगरूर दे विच किसान क्यों धरने ते बैठे है ते हरियाणा ते हिसार दे किसान क्यों चंडीगढ़ वाल पहुंचे, देखो इस रिपोर्ट दे राही। पक्का मोर्चा फतेहाबाद से हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास हजार करोड़ रुपए सुभाषचंद्रा के माफ कर दिए, क्या किसान साथियों की ये सरकार मदद नहीं करेगी? सरकारां कितों दियां भी होण वड्डे वड्डे दावे ते वादे तां हुंदे ने पर अन्नदाते दी सुनवाई घट ही करदियां। इसे करके ही तां संगरूर दे किसान कई दिनां तों मुख्यमंत्री दे दफ्तर बाहर डेरा ला के बैठे ने ते हरियाणा दे किसान कई दिन धरना लाउण तों बाद हुण अक्के होए चंडीगढ़ दे वल कूच करन दा ऐलान कर चुके ने। पहला तुहानू पंजाब दे किसानां दी तकलीफ दसदे आं ते फिर हरियाणा दे किसानां दी मुश्किल तों जाणू करावांगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे इलाके दे किसान धूरी दे विच सीएम दफ्तर बाहर अपने खेतां दे लई नहरी पानी दी मंग नूं लै के बैठे ने। किसानां दा इह धरना 20 सितंबर तों चल रहा है, जिस नूं लै के अज जल स्रोत मंत्री दे नाल मुलाकात भी हुई पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया। किसानां ने कहा कि जिन्ना समा उन्हां नूं लिखती भरोसा नहीं मिलता वह धरना नहीं चुकणगे। हुण असीं 20 सितंबर तो मुख्यमंत्री धूरी दफ्तर अगे पक्का मोर्चा लाया होया, जिहड़े दफ्तर नूं कहिंदे हुंदे सीगे कि चंडीगढ़ वालियां शक्तियां इस दफ्तर दे विच ने, क्योंकि लगातार 4-5 वारी मंग पत्र देण तों बाद मुख्यमंत्री साहब ने खुद आपदे हलके दे अपने जिले दे और अपने पुराने लोक सभा हलके दे लोकां दी गल नहीं सुनी और दूसरे जिलों के लोगों नूं कहिंदे आ कि असीं टेलां तक पानी पहुँचा देंगे, कल्ले कल्ले खेत नूं नहरी पानी दे देंगे, पर खुद पहला आपदे हलके दे लोकां दी मुख्यमंत्री साहब सार लैण। मीत हर जिहड़े वह भी साढ़े इलाके दे ने उन्हां नाल और कृष्ण कुमार जो सकत्तर ने जल स्रोत दे उन्हां नाल मीटिंग हुई सी, उन्हां ने गल्ली बाती मंगा मन्नण दी गल कीती, पर जिहड़े पुराने प्रोजैक्ट ने उन्हां दे टेंडर कहिंदे सी लगे हुए आ, असीं 30/11 तक कंप्लीट कर देने आ, पर सानूं किसे भी टेंडर दी कापी नहीं हो दिखा सके। हुण गल करदे आ हरियाणा दे किसानां दी। हिसार जिले के किसान गुलाबी सुंडी के नाल खराब हुई नरमे की फसल तो बाद फसल बीमा क्लेम की मंग नूं लै के पिछले 117 दिनों तो मिनी सकत्तरेत के बाहर पक्के धरने ते बैठे सी। सरकार वल्लों किसानां दी सुनवाई ना कीते जाण तो बाद किसानां ने यह धरना समाप्त करन दा ऐलान कर दिता, पर किसानां ने ऐलान किया कि हुण उह इकट्ठे हो के चंडीगढ़ के वल कूच करनगे। पक्का मोर्चा फतेहाबाद से हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। उसमें बेहतर जो गांव जिन गांवों का मुआवजा जो क्लेम रह गया है वो मांग प्रमुखता के तौर पर है। दूसरा सीएससी के जो किसानों का बीमा अभी किसानों के खातों में नहीं आया वो प्रमुखता के तौर पर है। गुलाबी सुंडी से जो अभी इस सीजन में कपास की फसल पूरे तौर पर खत्म हो गई है वो मुद्दा प्रमुखता के तौर पर है। और जो सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए हिसार जिले को, क्योंकि जो बारिश है वो बहुत कम आई है, बारिश कम होने के कारण जो फसलों में नुकसान हो उसके नुकसान की भरपाई सरकार करे, इन मुद्दों को लेकर कल पक्का मोर्चा फतेहाबाद से हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। हजारों किसान संगठन के झंडे लेकर जब सड़कों पर उतरेंगे तो हमें लगता है कि सरकार कोई बातचीत करेगी। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास हजार करोड़ रुपए सुभाषचंद्रा के माफ कर दिए, क्या किसान साथियों की ये सरकार मदद नहीं करेगी? अगर ये सरकार मदद नहीं करेगी तो ये फिर सत्ता में क्यों बैठे? ये एक तरफ तो कहते हैं किसानों के लिए दरवाजे हमारे हमेशा खुले हैं, लेकिन किसान इनके पास समस्याएं लेकर कर जाता है या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर इनकी सुनवाई नहीं। किते हड़ा करके नुकसानियां गई फसलों के मुआवजे की मांग, किते सुंडी करके खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम, किते फसलों नहरी पानी की मांग को लेकर किसान सरकारों तो गुहार लगा रहे हैं। हालांकि फसलों की MSP गरंटी ते होर मंगा नूं लै के किसान पहला ही केंद्र ते वादा खिलाफी दे इल्जाम लगा रहे ने। सरकारां वल्लों किसानां नूं इस तरह अणगौलियां करन ते आखर यही आख सकदे आ कि किसान अपनियां मुश्किलां लै के जाण तां फिर कित्थे जाण। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।